हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। चांद का आंगन और सितारों की छत, एक प्यार का आशिया बसाने के लिए इससे ज़्यादा और किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जनाब, ये असलियत नहीं है, आपके सपनों की दुनिया है। और आपकी इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर एक ऐसी दुनिया है जो बार बार आपको याद दिलाती है कि प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर, करियर, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वास्तविकता, हकीकत और सपनों के इस बीच की कश्मकश को कैसे सुलझाएं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसी कश्मकश चल रही है कि किसको प्रायोरिटी दें, प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, या अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, तो खुद ना सोचकर आप आचार्य जी का सहारा लीजिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, कई बार हमको एक चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, या तो अपना प्यार या अपना फ्यूचर, करियर। और इस केस में कई कपल्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जी। ऐसे सिनेरियो में एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है, हमें क्या गाइड करती है? जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत मुझे ऐसा लगता है जन जागरूक करने वाला प्रश्न है। हर एक किसी को सही दिशा और दशा पता चलेगी। एक्चुअली ये दोनों की दोनों बहुत पैरेलल चीज़ें हैं। इसमें ये निकाल पाना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। यद्यपि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्यार की वजह से करियर दांव पर लगता ही लगता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर इस पर हम चर्चा करें अनुजा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी तो आपका अपना फ्यूचर है, करियर है, क्योंकि जो आपकी अपनी किस्मत में आपका अगर पार्टनर वास्तव में आपको प्रेम करता होगा, तो प्रेम पाने का काम थोड़ी है। प्रेम स्वार्थ का नाम नहीं है। प्रेम स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ से स्वार्थ समाप्त होता है। जब तक स्वार्थ होगा, जब तक क्रय और विक्रय की विधि चलती रहेगी, तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में बहुत बहुत निजता की बात है, बहुत स्वतंत्रता और बहुत स्वकाकी बात है, अपनी ही बात है, अपने अंदर की वस्तु है जिसे हम दिखा और बता नहीं सकते जी। तो वास्तव में अगर प्रेम है तो आपको सक्षम होना होगा। आचार्य जी, हमारे कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ इसी तरह की आपका ये जो गाइडेंस है उनको भी मिले जी। तो हम बात करें पहले कॉलर से। स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? उर्मिला सिंह। उर्मिला जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? ये मैं छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। छिंदवाड़ा से बात करें आचार्य जी से जी। कैसी है उर्मिला जी? अच्छे आचार्य जी, नमस्कार। बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद, ईश्वर आपको संपन्न करे और आपकी अपनी जो भी मनोरथ है आपका वो सिद्ध करे। बताइए सर, मेरे को आचार्य जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में जानकारी लेना था। नाम बताइए। उसका नाम है कुमुद। कुमुद, डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। 17/2/2009। टाइम बताइए। सुबह 10:24। कहाँ जन्म हुआ? जबलपुर। बहुत चंचल, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बच्ची है। इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया दिखती है, गोलमटोल है, और चंचलता इनकी फ्यूचर को बहुत बेहतर करती है। करने दीजिए, बाला रिष्टि योग है। 12 सालों तक इनकी चंचलता, इनकी निजता और इनकी सैतानियाँ बहुत होंगी। आगे जाकर बहुत शांत, बहुत सहृदय, बहुत प्रेमी, पारिवारिक, धार्मिक और धर्मनिष्ठ होगी ये बच्ची। बहुत दूर तक जाएगी, बहुत सफल होगी। अभी से ही इतनी कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों को समझती हैं ये, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दादी जैसी बातें होती हैं इनकी, और बहुत बहुत बड़े स्केल पे चीज़ों को समझने लगी हैं। अभी से इनके गले में एक नौमुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप इन्हें अमृत कवच जरूर पहनावे। और दूसरा एक काम आपको करना है, प्रदोष व्रत करना है, जिससे आपकी आगे की जो मंशा है, जिस बात को आप शायद अभी नहीं कह पाएंगी, वो भी सिद्ध होगी। घर में नमक का पोछा जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपके घर का माहौल थोड़ा बेहतर होगा। और भगवान शिव की आराधना सपरिवारिक रूप में करें, आपको बहुत जल्दी आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया शो पे और आपकी आचार्य जी से बात हो गई है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, उनके दिए हुए उपाय को फॉलो करते रहिए बस। जी
जी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई नज़दीकी किसी के मन में, किसी की लव लाइफ में, किसी के रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आचार्य जी से आपकी बात जल्द से जल्द हो जाए। आचार्य जी, अक्सर देखा गया कि ऑफिस में लोगों को प्यार हो जाता है, उनके रिलेशंस बनने लगते हैं, जिसकी ज़्यादा करके शिकार फीमेल्स ही होती हैं। यू नो, बहुत ज्यादा उनके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं वर्किंग वुमेन के साथ, आई मीन टू से, और उनका रिलेशन मैच्योर भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी क्या उन्हें बचा सकती है? बिल्कुल, मैंने बहुत बार कहा है कि प्रेम की बड़ी समीक्षा है। प्रेम के बारे में बोलते बोलते आज मुझे 8 साल हो गया। हाँ। इसी एक सिंगल मंच पे वैसे हो गया 15 साल। 15 सालों से बोल रहा हूँ, मुझे मेरे शब्द समाप्त नहीं हुए जी। मैं नित्य एपिसोड्स करता हूँ, रोज बोलता हूँ, समाप्त नहीं हुआ। प्रेम इतनी बड़ी व्यवस्था है जिस पर गीता, महापुराण, बड़ी बड़ी शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, समाप्त नहीं हुआ। लेकिन ये जितनी इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि इवेंट और एक्सीडेंट पर लाइफ बेस है, ये जो एक्सीडेंट्स हैं इनसे कैसे बचे? सतर्कता से। सतर्क रहे, एक्सीडेंट नहीं होगा जी। तो मनुष्यों और महीप नहीं, दृक्सो नहीं दीवान, यानी ये आकर्षण का अपना एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंबू है जी। जिसके आधार पर ये सारी की सारी चीजें ब्लास्ट होती हैं और खराब होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारी दृष्टिगत जो दोष है वो समाप्त हो जाए, यानी हम सूर्य को ठीक कर लें। जो लोग सुबह सूर्य को जल देते हैं नित्य, जो लोग सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम अपेक्षाकृत ज्यादा के कम होती है। अच्छा। जो लोग सूर्य को ठीक करते हैं, जो लोग माणिक धारण करते हैं, सूर्य यंत्र धारण करते हैं, जो लोग अपने बिस्तर में मोरपंख रख सकते हैं, उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स कम आएंगी, उनके साथ ये दिक्कतें बहुत हद तक कम होंगी। और एक्यूरेट बचना हो, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। तो आप इन सब चीजों के आसपास से गुजरेंगे बहुत बार, पर सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक्सीडेंट होने से बचाया नहीं जा सकता, सेफ किया जा सकता है। भाई हेलमेट पहन लीजिए, थोड़ा कुछ एटलीस्ट उतना हार्म तो नहीं। हाँ, जो भी नी सपोर्टर और जो भी चीज़ें होती है वो आप पहन के चलिए, अगर आपको बहुत तेज चलाने की आदत है तो। आप अपनी आदतों के अनुकूल सुरक्षा का दायरा बढ़ा लीजिए, ये सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। आचार्य जी, बस आपकी यही गाइडेंस चाहिए कि कैसे लोगों को आप सेव कर पाए इन सब चीजों से। तो हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम निशुल चौधरी है। निशुल जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। जी, आपका बहुत स्वागत है, आप बात करें आचार्य जी से। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ सर, वो मुझे ना अपनी जॉब के बारे में पूछना है, वो कब तक लगेगी? मैं काफी स्ट्रगल कर रही हूँ जॉब को लेके अपनी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 4/8/1992। टाइम बताइए। 12:05 रात को। मैं आपको थोड़ा सा कुछ जो मेरा प्रश्न का वास्तविक मतलब है वो बताना चाहूँगा। जॉब क्यों करना चाहती हो? मतलब किसी खास उद्देश्य, यानी पैसा कमाना है, या मम्मी पापा को ये दिखाना है कि आप कमा सकती हो, या कोई आपका कमा रहा है, आपके साथ का कोई व्यक्ति धनोपार्जन कर रहा है और आपको लगता है कि आपको भी करना चाहिए? बिल्कुल रियल जवाब दीजिएगा प्लीज़। हाँ, रियल सिर्फ यही है कि मैं पैसा ही कमाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ को चलाने के लिए, और मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी डीड्स हैं जो मैं पैसे के थ्रू कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली फैमिली इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली हमारे घर में कि सब चीजें अवेलेबल है, तो इसलिए पैसे सब कुछ मेरे लिए ज्यादा मान्य रखता है, तो इसलिए मैं जॉब जी। ये आपका थॉट मुझे सामने लाना था, बस इसीलिए प्रश्न किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने हाथ में बहुत पैसे हैं, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी जॉब लगेगी। आप थोड़ा समीक्षा करना बंद कर दीजिए, कम और ज्यादा कुछ नहीं होता। एक दो तरीके के लोग होते हैं जॉब करने वाले, एक वो जिनको जॉब की जरूरत होती है और दूसरे वो जिनकी जरूरत जॉब को होती है। तो आप अभी उस प्लेटफॉर्म पे हैं कि आपको जॉब की जरूरत है। आप प्रयास करिए कि यहां से उठ के आप ऐसी कंडीशन में पहुंचे जहां पर जॉब को आपकी जरूरत हो, यानी आपको कुछ प्रोफेशनल
ऐसी एक्टिविटीज करने की आवश्यकता है, कुछ अलग से कोर्सेज करने की नीड है। अपना समय बिल्कुल मत गंवाइए, जब भी करेंगे कुछ बेहतर करेंगे तब तक आप कुछ कोर्सेज कर लीजिए, कुछ स्पेशल गेन करिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली कहती है कि आप यदि अपना समय खराब ना करें, आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, अगर आप MBA कर लेती हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके पूरे के पूरे परिवार में, खानदान में आपसे ज्यादा कोई सक्षम नहीं होगा। जी सर, जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और जैसा आचार्य जी ने आपको बोला है आप उसको सिंसियरली फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी चाहते हैं कि आपके मन के कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी सवाल हैं जो दूर हो जाएं और आपको एक करेक्ट पाथ मिल जाए फॉलो करने के लिए, तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आचार्य जी से आपकी बात जल्द से जल्द हो जाए। आचार्य जी, आज हम जहाँ करियर और प्यार की बात कर रहे थे, तो वहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उनको बैलेंस में बनाए रखने के लिए और एक स्मूथ लाइफ लीड करने के लिए कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो इनमें से, एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद कर सकती है? ज्योतिष ही मदद कर सकती है, ज्योतिष भी नहीं, ज्योतिष ही मदद कर सकती है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सही दिशा दिखाता है। जी, कभी कभी कदाचित ऐसा भी होता है कि आपको करियर की बजाय अपने प्रेम को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कदाचित उस समय वो सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रहेंगे तो हो सकता है ज़्यादा पढ़ पाएंगे जी। आपका ज़्यादा मन लगेगा जी। आप बहुत समय तक केवल चिंतन करते रहें बिना किसी कार्य के, इससे अच्छा है कि दोनों चीज़ें कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, इससे अच्छा है भैया कि हम थोड़ी सही दिशा में काम करें, हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे हम अपना पूरा का पूरा जो भी हमारा टारगेट है उसे हम कंप्लीट कर पाएं और हम जो चाहते हैं उसे फुलफिल कर पाएं। अब हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिरता हमारे नेक्स्ट कॉलर के मन में भी आप ले आएं, तो उसके लिए आपकी इजाजत लेनी होगी कि उनका कॉल रिसीव किया जी। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। यस मैम। हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य झा है, समस्तीपुर बिहार से बात कर रहा हूँ मैम। जी, बात करें गुरु जी से। हेलो। प्रणाम गुरु जी। जी बहुत आशीर्वाद, कैसे हैं आप? मैं आपका आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हूँ गुरुजी। परमात्मा करे आप सदैव बहुत अच्छे रहे, सही दिशा में चलते रहे और ईश्वर आपको सही मार्गदर्शन कराता रहे। मैं गुरुजी आपको एक धन्यवाद देना चाह रहा था जी। पिछले बार आपसे जब भी मेरी बात हुई थी ज्योति के रिगार्डिंग, तो उसमें जो जो चीज आपने बोला मेरे लाइफ में सटीक वैसे ही मेरे लाइफ में सब इवेंट होता चला गया, और आपसे ज्योति के रिगार्डिंग इतना इम्प्रेस हो गया, मैं ज्योतिष साइंस को सही समझने लगा और ज्योतिष के दिशा में मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैं आज खुद भी एक ज्योतिष हूँ। धीरे धीरे मैं और ज्योतिष के नॉलेज को और इम्प्रेस करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको वैसे भी परमात्मा ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है और आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी कुंडली में ऐसे योग भी बनते हैं जी गुरुजी। तो परोपकार की भावना है, ये परोपकार का कार्य है, बड़ी निष्ठा से आप कर सकते हैं, आप में वो बल, आप में क्षमता है, और क्योंकि ज्योतिष को आपने भली भांति पढ़ा और समझा है इसलिए आप अच्छे ज्योतिषी बन पाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी आचार्य जी को जल्दी जल्दी थैंक यू कॉल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक करेक्ट गाइडेंस चाहते हैं, सही पाथ फॉलो करना चाहते हैं, तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्योंकि आचार्य जी वॉइस रीडिंग और फेस रीडिंग भी करते हैं, तो आप आचार्य जी से जल्द जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आचार्य जी, जो रोशनी, जो प्रकाश आप एक्चुअली फैला रहे हैं ना, ये दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रहा है और ये एक स्प्रेड हो रहा है, एक कैंपेन जैसे स्प्रेड हो रहा है और लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर पाएं, आपसे डिस्कस कर पाएं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल नहीं कर पाते या उनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उन्होंने अपना एक ईमेल हमारे पास भेजा है अपनी प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचाने के लिए। तो आपकी इजाज़त हो तो एक ईमेल पढ़ के मैं सुनाती हूँ। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम प्रिया बिहारी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1989 है, टाइम 6 PM है और प्लेस ऑफ बर्थ इंदौर है। आचार्य जी, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना तो मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है और ना ही शादी का अच्छा प्रपोजल मिल रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए जिससे मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए जी। एक तो आपको
बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि अभी आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है और अक्टूबर तक आपके साथ थोड़ी सी असमंजसता बनी रहेगी, आपकी जीवन की गाड़ी थोड़ा उतार चढ़ाव में है। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ उपचार, कुछ उपाय जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उपाय में आपको सबसे पहले नमक का पोछा लगाना है, अपनी हाइट के बराबर लाल पीला काला धागा नाप करके राइट हैंड की कलाई में बांधना है। दूसरा, केसर का तिलक नित्य करना है, सोते समय नाखूनों में तेल लगाना है। अगला एक काम करना है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना है। तेल का दिया सामान्यतः नहीं जलाना है, एक छोटा सा कपड़ा लें काला, उसके अंदर तिल रखें, उसे बांधें, दिया बनाएं उसकी और फिर डिप करके जलाएं। आपको बहुत जल्दी बेनिफिट होगा और आप जो भी विषम चीजों को फेस कर रही हैं उस फेस से निकल के सही फेस में एंटर करेंगी। आचार्य जी, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम आपके द्वारा हुआ है और वो अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, और हमें मौका मिला ऐसे ही एक शख्स से मिलने का जिनकी लाइफ बदल गई आपसे मिलने के बाद। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जाने कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, मैं अनुज सक्सेना इलाहाबाद से। आज से एक साल पहले ही मैं आपसे मिला था, आप शायद याद भी होगा। आपसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी में प्यार जैसे शब्द का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने कई लड़कियों के साथ अपने रिलेशन बनाने की कोशिश की, पर रिलेशनशिप कभी दोस्ती से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। दो तीन लड़कियों के साथ दोस्ती से आगे बात बढ़ी भी, पर कुछ दिनों में ही ब्रेकअप हो गया। मैं भी ये सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लड़कियाँ मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं बन रही है। फिर मेरे एक मित्र है रोहित सिंह, उनकी माता आचार्य सतीश जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो अक्सर उनका प्रोग्राम देखती है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार एक ऐसे आचार्य जी है जो लव प्रॉब्लम्स को एस्ट्रोलॉजिकली मदद करते हैं। पर मैंने सोचा कि यार मेरी किस्मत भी लगता है प्यार है ही नहीं, तो लगता है किसी आचार्य जी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं आचार्य सतीश जी से मिला। फिर आचार्य जी से जब मैं मिला, उनको अपनी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने मेरी कुंडली को देखा और बताया कि तुम्हें अपना प्यार मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बस कुछ उपायों को करना पड़ेगा। तो मैंने उन उपायों को किया और जैसा जैसा आचार्य जी ने बताया था ठीक वैसे ही किया। और उन उपायों को करने के बाद आज एक साल से, पिछले एक साल से जिस लड़की को मैं चाहता था, वो लड़की आज मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, और हम अपनी शादी में आचार्य जी को भी ज़रूर इन्वाइट करेंगे, और मुझे आशा है कि आचार्य जी ज़रूर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आचार्य जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका खूब खूब आभार। क्या बात है आचार्य जी, बहुत बहुत अच्छा। मैं तो कह ही रही हूँ ना कि हमको एज अ थर्ड पर्सन सुन के इतना अच्छा लगता है, तो आपको तो लगता होगा कि सूत्रधार को भी उतना ही ठीक लगता है। तो इस मंच को हम दोनों मिलकर साझा कर रहे हैं और बहुत समय से, तो वो जो आनंद मुझे आता है वही आपको भी फील होगा। और आचार्य जी, बिल्कुल जिस तरह हमने देखा है कि कैसे परेशान लोगों ने आपको कुछ ही दिनों बाद एक थैंक यू कॉल किया, ये देखकर बहुत मोटिवेशन आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है और बहुत पॉजिटिव फील होता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका मन उलझा हुआ हो तो एक सही डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपका दिमाग और मन सुलझा रहे। ऑलवेज थिंक राइट एंड फॉलो योर हार्ट। कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी।